इस वक्त एक दुख भरी खबर आ रही है। दुख भरी खबर यह है क्योंकि 1983 के विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे, भारतीय क्रिकेट टीम के अभिन्न अंग रहे, भारतीय क्रिकेटर पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में यशपाल शर्मा का हृदय गति रुकने से आज निधन हो गया। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का 1983 की विश्व विजेता टीम के वे सदस्य थे। यशपाल शर्मा ने भारतीय टीम के सेलेक्टर भी रहे, लंबे समय तक वे इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर रहे। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। अब से कुछ दिन पहले यशपाल शर्मा एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो भी आए थे और पूरी क्रिकेट टीम एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो में थी। हमारे साथ 1983 की विश्व विजेता टीम के कप्तान कपिल देव भी हमारे साथ हैं, उनकी टीम का हिस्सा थे यशपाल शर्मा। कपिल पाजी, यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, 66 साल की उम्र, जाने की तो उम्र नहीं थी जी। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, और ये न्यूज मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि ये सच नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि अच्छे खासे अभी हम पिछले हफ्ते मिले थे और बहुत ही अच्छे स्वभाव में थे, अच्छी तरह खेल कूद रहे थे हम सब मिलकर। अभी जो भगवान की मर्जी है उसके साथ तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ भगवान को आज पूछेंगे जरूर कि ऐसा मत करो। रियली सॉरी कपिल पाजी, हम समझ रहे हैं ये आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, आपके क्रिकेट मेट थे, आपके साथ उन्होंने लंबे समय तक क्रिकेट खेला, भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर जो ले गए उसमें यशपाल शर्मा का भी आपके साथ हाथ था, आपके वो एकदम बहुत ही करीबी थे, और ये बहुत मुश्किल का वक्त मुश्किल वक्त है। भारतीय क्रिकेटर टीम के एक अभिन्न हिस्सा रहे, भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए, क्रिकेटर क्रिकेट के दुनिया भर में चाहने वालों के लिए वाकई में बहुत मुश्किल वक्त। जी बिल्कुल, बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा कि क्या कहूँ या क्या ना कहूँ। मैं अभी मुंबई में हूँ, फ्लाइट लेके सीधा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और बस यही कहूँगा कि रेस्ट इन पीस, वी लव यू यश, दैट्स ऑल। कपिल पाजी हमारे साथ हैं और वाकई में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक पल हैं ये। क्रिकेटर यशपाल शर्मा हमारे बीच नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। 66 साल की उम्र थी, लुधियाना में पैदा हुए यशपाल शर्मा। पहला टेस्ट क्रिकेट उन्होंने 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला, और जो पहला वनडे मैच था उसमें 1978 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने वनडे क्रिकेट की शुरुआत की। हमारे साथ दिलीप वेंगसरकर साहब जुड़े हुए हैं। दिलीप वेंगसरकर जी, यशपाल शर्मा हमारे बीच नहीं रहे हैं, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। बहुत ही बहुत ही बहुत ही दुख हो रहा है, इज एब्सोल्युटली शॉकिंग, अनबिलीवेबल न्यूज है। एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा हाउ आई कैन रिएक्ट टू दिस न्यूज ऑनेस्टली। अभी हम लोग मिले थे एक हफ्ता पहले, एंड ही लुक द फिटेस्ट ऑफ द लॉट, तो ये ऐसा हादसा हो जाएगा मुझे। Actually, I never imagined, to be honest with you. I think it is very, very sad, unbelievable news, very shocking indeed. दिलीप वेंगसरकर साहब, आपकी कुछ यादें जरूर रही होंगी, आप उनके साथ लंबे समय तक क्रिकेट खेलते रहे, आपकी टीम, आप दोनों लोग एक ही वक्त में टीम का हिस्सा रहे। हाँ, हम लोग इंटर वर्सिटी हम लोग साथ में खेले, फ्यूचर इंडिया के लिए बहुत साल खेले। I think 1979 में we had a long partnership against Pakistan in Delhi. हम लोगों ने मैच जीता, almost मैच जीताया था, but it was a drawn game. और काफी 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 हमारी एक partnership हुई थी. So this is unbelievable. This, you know, I can't really believe this news. This is very shocking indeed. चलिए, दिलीप वेंगसरकर साहब बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के थे यशपाल शर्मा। उन्होंने ना केवल क्रिकेट अच्छे से खेला, टीम के सेलेक्टर भी रहे,
मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने हाथ आजमाया और आपसे तो उनका बहुत ही अच्छी दोस्ती रही थी। आप बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हम लोग अभी भी जो एक्चुअली हम लोग अभी दिल्ली में मिले थे तो सबसे फिट वही लग रहे थे मुझे, तो मैंने उनको पूछा भी था कि मैं फिटनेस का राज क्या है, तो ही वाज सेइंग यू नो माय वेजिटेरियन थ्रू आउट माय लाइफ, आई वर्क ऑन, आई गो फॉर वॉक्स, आई डू एवरीथिंग यू नो, और फिटनेस के बारे में उन्होंने बहुत ही कुछ किया था, लेकिन ऐसी न्यूज, आई मीन दिस इज, आई कांट बिलीव दिस, honestly this is very shocking for me। जी तो दिलीप वेंगसरकर साहब हमारे साथ हैं, दिलीप वेंगसरकर के साथ यशपाल शर्मा ने लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम में अपना योगदान दिया, दोनों लोग साथ खेले। दिलीप वेंगसरकर साहब हमारे साथ बने रहेंगे, इस बीच हम आपको दिखा देते हैं कि यशपाल शर्मा का करियर, क्रिकेट करियर कैसा था। उन्होंने कुल मिलाकर 37 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें से 1606 रन बनाए और इसमें से 2 सेंचुरी थी और 9 अर्धशतक उन्होंने टेस्ट करियर में अपने पूरे लगाए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो यशपाल शर्मा है उनका जन्म 1954 में लुधियाना में हुआ, लुधियाना में हुआ पहला टेस्ट क्रिकेट उन्होंने 2 अगस्त 1979 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। लास्ट टेस्ट मैच उनका 1983 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था, जबकि वनडे मैचेस की शुरुआत उन्होंने 13 अक्टूबर 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलकर की थी। हमारे साथ जीएस विवेक, हमारे खेल संपादक भी हैं। जीएस विवेक, बहुत बड़ी क्षति भारतीय क्रिकेट के लिए। जी हाँ बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 7:40 वो ऑफिशियल टाइम था जब उनको वो कार्डियक अरेस्ट हुआ। वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, बिल्कुल ठीक थे, मॉर्निंग वॉक के लिए गए। मॉर्निंग वॉक के बाद आने के बाद जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि काफी अनईजी वो महसूस कर रहे हैं और उनको काफी सीने में दर्द हो रहा है, जिसके बाद तुरंत जो है उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। और इतना अनबिलीवेबल और इतना था कि खुद, जैसे कि अभी आपने कपिल पाजी से बात करी, आपने दिलीप भाई से बात करी, खुद 1983 का जो उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप है उन लोगों तक भी वो मैसेज पहुंच नहीं पाया, वो भी शॉक में है। इनफैक्ट कई लोगों का कंफर्मेशन के लिए मेरे पास फोन आया कि क्या वाकई में ऐसा हो गया है, हमें यकीन नहीं हो पा रहा इस बात के लिए। और जैसे कि अभी दिलीप भाई, कपिल पाजी ने बोला कि अभी बात हुई, मेरा पर्सनल उनके साथ जो एसोसिएशन है वो काफी लंबा रहा है। मैंने तो वो सिलेक्टर थे जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, अब बस उसके बाद ऐसे जर्नलिस्ट जब वो सिलेक्टर रहे तो उन्होंने कई सारे जो है अहम कदम उठाए। सबसे अहम कदम ये था कि आर अश्विन को उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनाया। काफी डिबेटेड वो डिसीजन था हरभजन के साथ साथ कि क्या अश्विन को लिया जाए, और उन्होंने कहा कि नहीं, अश्विन पहले, हरभजन बाद में, और अश्विन को पहले टीम में चुना गया। और उसके अलावा वो दिल्ली क्रिकेट में वो बतौर सेलेक्टर थे, और उसके अलावा पंजाब में वो सेलेक्टर रहे, कोच रहे पंजाब के, जो जितने भी जो युवा पीढ़ी आई है पंजाब की, यहाँ तक कि शुभमन गिल, आप संदीप शर्मा की बात करें, मनदीप सिंह की बात करें, उन सबको उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। तो यशपाल शर्मा का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ बतौर क्रिकेटर ही नहीं, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, कोच, सेलेक्टर, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फेमस थे इंडियन क्रिकेट में अपने बादाम शॉट के लिए, और बादाम सिर्फ इसलिए क्योंकि जब वो खेलते थे तो अपने जेब में बादाम रखते थे, और उस तरीके का जो वो कट मारते थे किसी भी तेज गेंदबाज को, इसीलिए उनका वो शॉट का नाम भी बादाम शॉट काफी फेमस हो गया था। काफी हसमुख इंसान थे, और अभी जब हम मिले थे, जब कपिल पाजी और दिलीप भाई कह रहे थे कि हम अभी एक हफ्ते पहले मिले, तो भी उन्होंने मुझसे जरूर पूछा था कि कैसे हैं, और पनीर खा रहे थे वो उस टाइम पे, और पनीर खाने का उनका बड़ा शौक था। बोले थे कि अब यही उम्र है, खा लो, और उसके बाद तो डाइटिंग और ये सब करना ही पड़ेगा। तो बहुत अजीब सा ये माहौल है, और खुद कपिल पाजी ने कहा था उस मीटिंग में कि हम इस साल में हम सिर्फ 2 लोग नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री इंग्लैंड में हैं। विवेक, मैं आपको बीच में रुकूंगा, माफी चाहता हूं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण लाल साहब, बहुत दुख भरी खबर है, हमारे बीच 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा जी नहीं रहे हैं। अभी सुबह 7:40 पर उनका हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। बहुत ही दुख भरी घटना, यकीन ही नहीं हो रहा कि यशपाल हमारे साथ और नहीं है, क्योंकि उनको देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत ही स्ट्रांग हैं,
उन सब समय जब वो क्रिकेट भी खेला करते थे तो वो जाने जाते थे कि बहुत ही ये शक्तिशाली इंसान थे, फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, वेजिटेरियन थे, और मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो चुका है। जी, तो बहुत ही ज़्यादा फिट थे। दिलीप साहब भी हमारे साथ अब से कुछ देर पहले जुड़े हुए थे, दिलीप बेंगसरकर साहब, अरुण लाल साहब, वो यही कह रहे थे कि जब अभी हम मिले थे तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और सबसे ज़्यादा अच्छी फिटनेस यशपाल शर्मा की ही दिख रही थी, और वो वेजिटेरियन थे आप जैसा कि बता रहे हैं। लेकिन जो वक्त होता है वो किसी के लिए ठहरता नहीं है, और वक्त ने हमसे इतना बड़ा सितारा छीन लिया है। जी हाँ, और मैं तो उनको बहुत करीब से जानता था, युवा जब से हम उनके साथ भी क्रिकेट खेली, नॉर्थ जोन में उनके विरुद्ध खेली, वो पंजाब के लिए खेलते थे, यूनिवर्सिटी क्रिकेट उनके विरुद्ध खेली, तो बहुत ही लंबा हमारा साथ रहा। हाल ही में कुछ थोड़ा अलग रह हो गए क्योंकि मिलना नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा अपनी क्रिकेट में, जो मेरी बढ़ोतरी हुई उनका भी योगदान है उसमें। जी, आपके कुछ पल रहे होंगे जो आपको अभी भी याद आएंगे, और आज के मौके पर जब यशपाल शर्मा हमारे साथ नहीं है और आप उन यादों में खो जाते होंगे जो आपने कुछ पल यशपाल शर्मा के साथ बिताए होंगे। जी हाँ, बहुत, क्योंकि जब आप एक टीम से खेले हो तो एक दूसरे को तुम बहुत करीब से जानते थे, आपस में तालमेल भी बहुत बढ़िया रहता था, और बहुत बड़े कंपेटिटर थे, जब आपके विरुद्ध खेलते थे तो उनके लिए आपका ध्यान काफी जाता था खेल के पहले के यशपाल को कैसे हमको संभालना है, क्योंकि वो ना केवल स्ट्रांग थे, फिट थे, बढ़िया खिलाड़ी थे, पर उनके ये लंबी इनिंग्स खेलने की एक क्षमता थी जो जिससे सब घबरा के रहते थे, तो उनके लिए तो जैसे कहते हैं ना, ध्यान बहुत केंद्रित होता था उनकी ओर कि कल उनको कैसे संभालना है, जरूरत क्या टैक्टिक्स होंगी, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। जी, तो पूरी टीम अब से कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो में थी, एबीपी न्यूज़ ने उस पूरी 1983 की विश्व विजेता टीम से बात की थी, उस समय भी यशपाल शर्मा थे और यशपाल शर्मा से पूरी टीम एक साथ मिली थी। बहुत अद्भुत दिन था वो, बहुत अद्भुत पल थे, लेकिन अब इस टीम के एक अहम सदस्य रहे यशपाल शर्मा हमारे बीच नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उन्होंने साथ छोड़ दिया हमारा। अंशुमन गायकवाड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन साहब, आपने बहुत नज़दीक से यशपाल शर्मा को देखा, वे बहुत एनर्जेटिक क्रिकेटर थे, राइट आर्म बॉलिंग करते थे, उनकी जो एनर्जी लेवल था बहुत हाई था। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। हम उसे तो 1979 में इंग्लैंड के दौरे पे हम लोग साथ में थे, रूम पार्टनर थे, और उसको अब मैं तो उसको बादाम करके बुलाता था, क्योंकि हर रात को मेरे को याद है वो बोलता था कि 5 बादाम पानी में डाल के भिगो के सुबह खा लो और फिर देखो ताकत कैसी आती है। तो छक्के ऐसे मारने के, तो लंबे लंबे छक्के मारते थे, तो ऐसे फिट आदमी थे, और पता नहीं क्या होता है कैसे होता है, मगर जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ। जी, अंशुमन गायकवाड़ साहब, आपने कहा कि बहुत लंबे छक्के मारते थे और उनके बादाम शॉट की भी बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, सभी उनके बादाम शॉट और उनके बादाम को लेकर काफ़ी यादें, जैसा आपने बताया कि वो 5 बादाम सुबह खाते पानी में रख देते थे और सुबह खाते थे, फिर बताते थे कि ताकत कितनी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी यादें होंगी जो आपको आज के दिन और ज़्यादा परेशान करेंगी, क्योंकि आपने बहुत करीबी से साथ में खेले हैं, काम किया है। बिल्कुल 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 सही बात है। देखो, साथ में तो रहे, काफ़ी यादें हैं, क्रिकेट साथ में खेलते हो, टूर पे साथ में रहते हो, रूम पार्टनर होते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप शेयर करते हो, और मैंने भी शेयर की थी उनके साथ, और एक बड़े फिट आदमी थे और डिसिप्लिन आदमी थे, मीनिंग ऐसा नहीं कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया, और उनका सब पूरा जो रूटीन था बिल्कुल सही रूटीन था, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, और क्रिकेट के नाते देखो तो बल्लेबाज तो थी, मगर एक अच्छे फील्डर भी थे, गेंद भी कर लेते थे, एक बड़े अच्छे यूटिलिटी प्लेयर थे वो कोई भी टीम के लिए, और इतने जल्दी से ऐसा कुछ होना मेरे ख्याल से क्या कहे अब।
वाकई में ये भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए, भारतीय क्रिकेट के फैंस के लिए एक बड़ा सदमा लेकर आया है आज का दिन, आज सुबह जब यशपाल शर्मा, और ये देखिए वो तस्वीर 1983 की विश्व विजेता टीम की, जिसमें यशपाल शर्मा सीना तान के खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस तस्वीर में से यशपाल शर्मा हमारे बीच नहीं रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो 1983 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा किया था, अपनी ताकत दिखाई थी और पहला विश्व कप उठाया था। यशपाल शर्मा उसका हिस्सा रहे और उस जीत के जश्न को मनाने के लिए कुछ दिन पहले वे एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो भी आए थे। पूरी 1983 की क्रिकेट टीम इकट्ठा थी और ये जो झटका है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए वो वाकई में बहुत तगड़ा झटका है, क्योंकि यशपाल शर्मा बहुत ही एनर्जेटिक खिलाड़ी थे, बहुत लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, लंबे समय तक वो भारतीय क्रिकेट टीम के सेलेक्टर भी रहे। इस दौरान उन्होंने कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया और उन्होंने अपने को साबित भी किया। हमारे साथ जीएस विवेक जुड़ गए हैं। जीएस, आप बता रहे थे किस तरह से उन्होंने हरभजन और अश्विन को मौका दिया और अश्विन को पहले मौका दिया। जी हाँ बिल्कुल विकास, इनफैक्ट अभी आप जब दिखा रहे थे 1983 का, तो अभी जब 25 जून को जब ये पूरी टीम इकट्ठी हुई थी तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कैरिकेचर्स हैं सबके, और अगर आप देखें यहाँ पर गौर से तो ये हैं यशपाल और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया था, और ये ऑटोग्राफ इस टीम में जितनी भी खिलाड़ी हैं उन सब ने एबीपी न्यूज़ के लिए ये ऑटोग्राफ करके दिया था। और जब ये ऑटोग्राफ दे रहे थे तो यशपाल जी ने मुझसे कहा कि ये बहुत यादगार है, एक कैरिकेचर ऐसा हमने कभी नहीं देखा है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इसकी कॉपी मिले। और उसके बाद इनफैक्ट कपिल पाजी भी थे, कपिल पाजी ने कहा कि जो है हम इन सब के लिए जो है कपिल की पूरी डेविल्स ऑफ 1983 के लिए ये ऐसा एक विंटेज बनाएंगे और हम सब उसको ऑटोग्राफ करके अपने पास रखेंगे। तो ये है वो जून 25, 2021, और जब उनका एक आखिरी पब्लिक अपीयरेंस था और ये उन्होंने ऑटोग्राफ दिया था। और आपको मैं ये बता दूं कि जैसे कि अभी बोला, दिलीप भाई ने भी बोला, कपिल पाजी ने भी बोला, बिल्कुल फिट लग रहे थे, बिल्कुल थे, लेकिन कुछ और ही मंजूर था और एक फेटल हार्ट अटैक आया 7:40 पे जब वो वॉक के लिए निकले। उनका एक डेली रूटीन है कि वो सुबह रोज़ वॉक पे जाते हैं, वॉक के बाद वापस आते हैं, तो उस वॉक के दौरान वापस आते हुए उन्हें काफ़ी अनइजीनेस हुई और जिसके चलते जो है उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। उससे पहले ही यशपाजी जो है, जैसे हम उनको अक्सर कहते हैं यशपाजी, वो उन्होंने ही इज़ नो मोर, तो काफ़ी एक बहुत बड़ी क्षति थी। और जैसे कि मैंने कहा कि 1983 के उनके जो टीममेट्स है, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी फिलहाल काफ़ी शोक में है। कपिल पाजी तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हुए थे और हर एक खिलाड़ी को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा होगा और यश पाजी के साथ ऐसा हो सकता है, अचानक ऐसा कुछ होगा। कई लोगों का कंफर्मेशन कॉल भी आया कि क्या ये वाकई में सच है, कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है, लेकिन ये प्रैंक नहीं है। और आज सुबह 7:40 पे यश पाजी जो है उन्होंने जो है कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो हमारे साथ अब नहीं रहे। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, 1983 की विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा हमारे बीच नहीं रहे। आपको क्या बोलो, हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी थे और राजा आदमी थे। पहले ही मैच में एजेंडा सेट कर दिया था वेस्ट इंडीज को के विरुद्ध, जब उन्होंने 80 रन ठोके थे, हम विश्व कप जीते थे, मेरे पास शब्द नहीं है। राजा आदमी, टाइगर शेर, बेहतरीन आदमी, कोई ऐब नहीं, न सिगरेट, न शराब, न मीट, कुछ नहीं, पूरा कट से लबरेज, पूरे आत्मविश्वास। हमारी टीम की हड्डी थे, वो हड्डी चली गई, टीम ही टूट गई। एक ऐसे इंसान जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है, हमें विश्वास नहीं होता। अभी मिले थे लगभग 10 दिन पहले, 25 जून को 38वीं सालगिरह मना रहे थे हम, और भगवान ने उनको छीन लिया। मुझसे कह रहे थे अच्छे लग रहे हो, फिट है, वजन निकाला है, ऐसे ही रहना फिट। उनको बताया मैं खेलता हूँ, तो बड़े खुश हुए, बोले मैं आऊँगा देखने, और देखे कि आज ऐसा जबरदस्त इंसान हमारे बीच में नहीं। बहुत भावुक पल हैं कीर्ति आज़ाद,
हमारे साथ हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस टीम का हिस्सा कीर्ति आज़ाद भी रहे जिसने सबसे पहले विश्व कप भारत को जिताया और भारती का सर गर्व से उठा दिया था। अतुल वासन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल वासन, बहुत बड़ा झटका दे गए यशपाल शर्मा, 25 तारीख को मिले थे फुल ऑफ एनर्जी, आत्मविश्वास से भरे हुए, फिटनेस की चर्चे हर कोई कर रहा है लेकिन उसके बावजूद दिल का दौरा दे गए अपने। मैं तो बहुत बहुत शॉकिंग न्यूज है, मैं पूरी खबर सुबह मैं सोच रहा था, उस दिन हमने शो किया था उनके साथ और बड़े जिंदा दिल, और मेरे तो रिलेशन बचपन से, मैं जब खेलना शुरू किया उनके साथ काफी मैचेस, रणजी ट्रॉफी उनकी टीम में उनके नॉर्थ जोन के साथ इकट्ठे खेले, और उस दिन भी इतनी रात तक हम बैठे रहे, गप्पे मार रहे थे, और यशपाल जी की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी थी, और मैं देखिए मुझे लगता है कि मैंने तो शायद नजर लगा दी, मैं उस दिन ये बोल रहा था देखिए कि पूरी की पूरी 38 साल हो गए और पूरी की पूरी टीम मौजूद है हमारे साथ, सभी मेंबर, इतना कुछ हो गया दुनिया में, पर ये देखिए सभी के सभी हमारे साथ मौजूद है, और ये देखिए आज 10 दिन बाद मुझे लगता है कि एक पूरी चीज सोची और वही हो गया, वेरी शॉकिंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अतुल वासन थे, यशपाल शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम का अभिन्न हिस्सा रहे, विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे, हमारे बीच नहीं रहे, 66 साल की उम्र थी, आज सुबह उनको हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। इस दुख की घड़ी में भारतीय क्रिकेट जगत को बड़ा गहरा झटका लगा है। यशपाल शर्मा अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते थे, अपने खेल के लिए जाने जाते थे, अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वे हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त एक दुख भरी खबर है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, तो ये पहाड़ टूटने जैसी खबर है, हमारे बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। यशपाल शर्मा 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, विश्व विजेता क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। हाल ही में यशपाल शर्मा ने एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम में 1983 के वर्ल्ड कप जीत के अनुभव को भी साझा किया था, और इस अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने क्या कहा था वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बुरी खबर ये है कि पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा हमारे बीच नहीं रहे, 1983 के वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, अपने शॉट्स के लिए जाने जाते रहे, बादाम शॉट्स उनका बहुत मशहूर था, बहुत एनर्जी और फिटनेस थी उनके अंदर, बहुत से क्रिकेटर्स को उन्होंने इंस्पायर किया। हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती बने हुए हैं। कुंतल, दुख भरी खबर। बिल्कुल, देखिए कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो लंबे समय क्रिकेट नहीं खेलते हैं, छोटा होता है स्टिंट लेकिन इतना इफेक्टिव होता है कि पूरे दुनिया जो है उनको जान जाते हैं। तो वैसा ही थे यशपाल शर्मा, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप का आगाज किया था 1983 में, वो आप कह सकते हैं कि टेम्पो उन्होंने सेट कर दिया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 89 रनों की जो इनिंग्स उन्होंने खेला था, और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कितने बेहतरीन पारी उन्होंने खेला, बॉब विलिस को जिस तरह से संभाला था, तब बॉब विलिस दुनिया के सबसे मशहूर गेंदबाजों में से जाने जाते थे, उनको जिस तरह से उन्होंने संभाला था, स्क्वायर लेग के ऊपर से जो शॉट उन्होंने, जो सिक्सर, पूरी दुनिया को शायद याद रहेगा क्योंकि उस समय इस तरह से उन्होंने टेम्पो सेट कर दिया था वर्ल्ड कप की शुरुआत में, और जिस तरह से भारत को सेमीफाइनल में जीत दिलाया, शायद इसीलिए आज भारतीय क्रिकेट इस जगह पर है। अगर 83 में हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीतते, आज भारतीय क्रिकेट इस जगह पर नहीं होता, इतना डोमिनेंट फोर्स पूरे दुनिया में नहीं होता। तो ये श्रेय यशपाल शर्मा को जाता है, और इसीलिए उनको पूरी जो दुनिया है, पूरी क्रिकेट विश्व है, याद करेगा, और बहुत ही दुखद खबर है जी। तो आप बता रहे हैं कुंतल की किस तरह से पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1983 के वर्ल्ड कप में 89 रन मार के उन्होंने टेम्पो सेट कर दिया था, और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत कर ही दम लिया, और उसके बाद भारत और क्रिकेट एक दूसरे के पर्याय बन गए। ABP News आपको रखे आगे।